तत्वों के विषय में बात करेंगे। भारतीय परंपरा एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुसार उसको सही रूप से व्याख्यायित करने के लिए छह तत्वों की प्रधानता स्वीकार की गई है। भारतीय परंपरा में तीन तत्व स्वीकार किए गए, वस्तु, नेता और रस, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के छह तत्व स्वीकार किए गए, उसमें वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, उद्देश्य और शैली। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे कथा वस्तु की। किसी भी नाटक की कथा वस्तु किसी प्रख्यात इतिहास, पुराण या किसी लोक प्रसिद्ध घटना से ली जा सकती है। दूसरा है, यह केवल कल्पना पर भी आधारित हो सकती है, अर्थात जिसको लेकर के नाटक लिखा जा रहा है उसमें कोई ऐसे इतिहास से लेकर के कोई भी ऐसा संबंध न हो करके केवल कल्पना को लिया गया है। और तीसरा है, इतिहास और कल्पना का जहाँ पर मिश्रण कर दिया गया पाठकों के अंदर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए इतिहास और कल्पना का मिश्रण करके भी नाटक लिखा जा सकता है। तो जो कथा वस्तु है वो कहीं से भी ली जा सकती है। दूसरा इसका तत्व आता है, वो है पात्र या चरित्र चित्रण। कथानक के फल के अधिकारी को नेता कहा जाता है। जो अभिनय करता है वही नाटक का प्रमुख पात्र होता है। अब ये जो नायक है, वो नायक चार प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है, वो है धीरोदात नायक। धीरोदात का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो कि अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सके, अति गंभीर हो, अपनी ही प्रशंसा करने वाला न हो, उसके अंदर अहंकार न हो, वो धीरोदात कहलाता है। दूसरा होता है धीर ललित। धीर ललित का अर्थ है वह नायक जो निश्चिंत है, कलाविद है, सुखी एवं कोमल स्वभाव का है। तीसरा है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत के अंतर्गत सामान्य गुणों के अतिरिक्त उसमें शांति और संतोष के भाव भी विद्यमान रहते हैं, वह धीर प्रशांत कहलाता है। और चौथा नायक होता है धीरोधत। धीरोधत का अर्थ है जिसके अंदर आत्मश्लाघा, अहंकार, शौर्य इत्यादि का दर्प हो, जो छल कपट से भरा हुआ हो और सदैव उद्धत रहे, उसे धीरोधत कहते हैं। इसी प्रकार नायक के अतिरिक्त नाटक के अंदर अन्य नायिका हो सकती है, कुछ अन्य पात्र हो सकते हैं जो कि उस कथा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो तत्व है वो है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन जो है दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ संवाद या लघु संवाद जिन्हें कहा जाता है। संवाद चाहे दीर्घ हो या लघु हो, वो अस्वाभाविक कलिष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कलिष्ट होंगे तो श्रोताओं को संवादों का अर्थ समझने में कठिनाई होगी। इसलिए संवाद अवसरानुकूल और कौतूहल से भरे हुए होने चाहिए। चौथा बिंदु है देशकाल और वातावरण। देशकाल और वातावरण कथा वस्तु के अनुरूप ही होना चाहिए, उसी के अंदर किस समय लिखा गया है, कैसे वातावरण में लिखा गया है, उसका वर्णन कथा वस्तु के अनुसार ही होता है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली के अतिरिक्त भारतीय परंपरा में इसे अभिनय नाम भी दिया गया है,
क्योंकि रंगमंच के माध्यम से नाटक जो है वो खेल कर दिखाया जाता है। अभिनय चार प्रकार से होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक का अर्थ है जहाँ पर नेत्र या मुख के हाव भाव या हाथ पैर आदि के संचालन द्वारा जो विषय है उसको वहाँ पर दिखाया जाए वह आंगिक कहलाता है। और वाचिक का अर्थ होता है जहाँ पर करुण, रुद्र, विभत्स जैसे रस से परिपूर्ण वाक्य जो हैं उनको मानसिक भावों के अनुकरण करते हुए दिखाना वाचिक कहलाता है। आहार्य का अर्थ है वेशभूषा के अनुकरण को अपनाते हुए अभिनय करना। और अंतिम है सात्विक। सात्विक कहते हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि को सात्विक भाव कहा जाता है। अंतिम तत्व है उद्देश्य या रस। किसी भी नाटक को करते हुए या नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करते हुए उसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य होता है रस का संचार करना। जब कोई भी देखने वाला नाटक के सुख दुख से उसका संभागी बन जाता है, जब उसे नायक के सुख दुख अपने प्रतीत होने लगते हैं, उस साधारणीकरण की स्थिति में जो श्रोता को जो दर्शक को आनंद मिलता है वह ही इस नाटक का उद्देश्य है।